HCF and GCD, highest common factor and greatest common divisor. क्या ये दोनों सेम ही हैं? यस, दोनों के दोनों सेम ही हैं, लेकिन है क्या ये? तो ध्यान से देखिए, HCF, find HCF of 8 and 12. तो HCF को समझने के लिए, highest common factor को समझने के लिए सबसे पहले हम फोकस करते हैं फैक्टर्स पे. फैक्टर जो वर्ड है, ये इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसका एक पार्ट है फैक्टर. तो भाई 8 एंड 12 के मैं फैक्टर्स करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है. 8 एंड 12 के फैक्टर्स पे कैसे कर सकता हूं? दोनों के करता हूं मैं. 8 को क्या लिख सकते हैं हम, ध्यान से देखिए, 8 एंड 12, 12 को क्या लिख सकते हैं? 8 क्या है मेरे पास? 1 into 8 है, ओके, एंड 2 into 4 है, और क्या है? यही है बस. और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? 8 यही है बस. 8 1 into 4 into 2 है, और तो कुछ है नहीं. और 12 को लिखें, 1 into 12 है, और मेरे पास क्या है? 2 into 6 है, एंड 4 into 3 भी है, यही है. तो 8 के अगर फैक्टर्स की बात करूं मैं, 8 के फैक्टर्स की बात करूं, या 8 के डिवाइजर्स की बात करूं, जिनसे ये फैक्टर या डिवाइजर्स, जिनसे ये अगर मैं डिवाइड करूं तो पूरे इंटीजर आ जाए, तो वो क्या आया? 1 आया, 2 आया, 4 आया, 8 आया, ओके. एंड 12 के डिवाइजर्स के बारे में बात करूं तो 1 आया, 2 आया, 3 आया, 6 आया, और क्या आया? ध्यान से देखिए, और मेरे पास क्या आ गया है? ये 12 आ गया है, ओके. 4 भी है, 4 भी है, 4 भी है, 1, 12, 2, 6, एंड 3, 4, और 12, लाइक ये है, ठीक है ना. तो पहली बात ये है कि अगर मुझे ये प्रोडक्ट मेथड है और मल्टीप्लिकेशन मेथड है, फैक्टर्स मैंने इंडिविजुअल जो नंबर्स हैं उनके फैक्टर्स को कैलकुलेट कर लिया. अब बात आती है कॉमन एंड हाईएस्ट. तो ऐसा फैक्टर जो कॉमन भी है और हाईएस्ट है, सबसे बड़ा है, तो 1 दोनों में कॉमन फैक्टर है या नहीं? है, 1 है भाई दोनों में कॉमन फैक्टर. 2 है, यस है. 4 है, एंड 6 नहीं है, 8 नहीं है. तो 1, 2, 4 इनके कॉमन फैक्टर्स हैं 8 एंड 12 के. लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो वो मेरे पास क्या आ गया? जो कॉमन भी हो और सबसे बड़ा भी हो, तो वो क्या आ गया? 4. 4 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 8 एंड 12. ओके, 8 एंड 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? इससे क्या कहते हैं? 4. बात समझ आ गई. तो HCF या GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन, जस्ट अगर मैं बात करता हूं, हाईएस्ट इज जस्ट सिनोनिम ऑफ ग्रेटेस्ट, इक्विवेलेंट टू, एक ही बात है, कॉमन सेम ही है, डिवाइजर जिससे डिवाइड होकर इंटीजर आ जाए. तो HCF या GCD निकालने का ये मल्टीप्लिकेशन मेथड है. फैक्टराइज कर लो, देखो उनके क्या क्या फैक्टर्स है, और देखो उनमें कॉमन क्या क्या है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, उसे निकालना मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम आसानी से निकाल सकते हैं, ओके. बस हमें यह ध्यान रखना है, अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात आती है, HCF क्या है, GCD क्या है, तो आप ये एक्सपेंड करना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये क्या है मेरे पास? मल्टीप्लिकेशन का मेथड है, और ये मैंने आपको बता दिया, ओके.